त्रेता युग में भगवान राम ने राजा दशरथ के जिस महल में जन्म लिया था, वो महल आज भी भगवान राम के अनेक रूपों की गवाही दे रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर इस महल की चमक दमक बढ़ गई है। दीवार और आंगन की जो रौनक है वो देखते बन रही है। जहां जन्म लिए भगवान राम, जिस घर में बीता श्री राम का बचपन, जहां पिता की गोद में बैठे प्रभु राम, जहां मणि की धूल में लोटे भगवान, जहां भाइयों के साथ खेले श्री राम, अयोध्या का दशरथ महल। महाराजा दशरथ का महल, जी हाँ, ये दशरथ महल है। और ये माना जाता है कि प्रभु राम ने अपना बचपन इसी दशरथ महल में ही गुजारा था, अपने भाइयों के साथ यहीं पर खेले थे, धूल में लिपटे प्रभु राम यहीं पर दशरथ की गोद में बैठा करते थे। आइए हम आपको दिखाएंगे आज वो महल और उस महल का वो आंगन जहाँ प्रभु राम बचपन में खेला करते थे, अपने दिन गुजारा करते थे। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के इस महल की गाथा तमाम धार्मिक ग्रंथों में भी गाई गई है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस महल का कई जगहों पर जिक्र किया है। दशरथ महल के व्यवस्थापक अभिराम दास जी भी महाकवि तुलसीदास के दोहों और चौपाइयों के जरिए इस महल की महिमा गा रहे हैं। लिखा है कि जब भगवान राम खेल के आते थे, धूल में खेल के आते थे, धूसर धूर भरे तन आए, भूपत बिहस गोद बैठाए। जब भगवान राम धूल में खेल के सने हुए लिपटे हुए आते थे, तो दशरथ जी अपने जांघे पे उनको, मतलब दौड़ के भगवान राम आके और चक्रवर्ती जी महाराज के गोद में बैठ जाते थे। दशरथ महल के व्यवस्थापक अभिराम दास की तरह इसके पुजारी राम जी दास भी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन से उत्साहित हैं। पुजारी का कहना है कि भगवान राम इस महल में धूल से खेलते तो जरूर थे, लेकिन वो धूल मिट्टी वाला नहीं था। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के लिए महल के प्रांगण में मणि के कण बिखेर दिए थे। जो हमारे श्री दशरथ जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उस समय ये धूल सब तो था नहीं। उस समय जो धूल था मणियों का था, मणियों को पिछवा करके पूरे आंगन में जहाँ पर उनकी प्लेग्राउंड खेलने की मैदान थे उस जगह पिछवा दिया जाता था। वहाँ पर सारे बाल गोपाल बाल सखाएं सब मिलकर के राज ठाकुर जी हमारे खेला करते थे। त्रेता युग के इस दशरथ महल को लेकर कई सारी किंवदंतियां हैं। भक्तों की मान्यताएं हैं, करीब 9.5 लाख साल के सफर में इस महल का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। कहा जाता है कि आखिरी बार इस महल को राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। प्रभु राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और त्रेता युग से लेकर अब तक 9 लाख से ज्यादा साल गुजर चुके हैं। कई बार दशरथ का यह महल टूटा, बनाया गया, फिर टूटा और आखिरी बार इस महल का जीर्णोद्धार महाराजा विक्रमादित्य ने किया था और उसके बाद से ये ऐसे ही है। दशरथ महल के व्यवस्थापक भी धर्म ग्रंथों और इतिहास के आधार पर इसके गौरवशाली अतीत का जिक्र कर रहे हैं। दशरथ महल का इतिहास 9.5 लाख वर्ष पुराना है, प्राचीन है, और इससे पहले भी मतलब सतयुग से ही प्राचीन है। राजा हरिश्चंद्र थे उस समय से ये सब महल है, पर प्रमाणिक तौर पर भगवान श्री राम जब लीला किए उसके बाद ये महल हाईलाइटेड हो गया और इसका पुनः निर्माण सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा फिर हुआ। दशरथ भवन इतना भव्य है कि इसके हर हिस्से को देखने के लिए भी काफी वक्त चाहिए। कहा जाता है कि माता कौशल्या के महल में जन्म लेने के बाद भगवान राम यहीं पर आ गए और अपने भाइयों के साथ रहने लगे। महाराजा दशरथ की 4 पत्नियां थी और सभी के अपने अपने महल थे। उनमें से एक महल था माता कौशल्या का, जहां प्रभु राम का जन्म हुआ था, जो कि आज मौजूदा समय में राम जन्मभूमि है, जहां पर भव्य मंदिर बनना है
और ऐसी मान्यता है कि कौशल्या भवन में जन्म लेने के बाद प्रभु राम का जो पूरा बचपन है वो इसी महल यानी कि पिता महाराजा दशरथ के महल में गुजरा। महल के पुजारी का कहना है कि भगवान राम को मृग से खेलने का शौक था और वो अपने भाइयों के साथ इसी महल से जंगल की तरफ निकल जाते थे। सखा के साथ उन्होंने अनेक प्रकार के लीला किए हैं। ऐसा है कि उन्होंने बाल रूप में ही उन्होंने हमारे राघवेंद्र सरकार, लखन लाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों भाई जंगल की तरफ निकल जाते थे मिर्गा खेलने के लिए। और मिर्गा खेलते खेलते इतने तनमन हो जाते थे, अपने मस्ती में इतने आ जाते थे, वो अपने घर की रास्ता ही भूल जाते। फिर उनको ये सुध नहीं रहता कि मुझे घर भी जाना है। फिर दशरथ जी महाराज ने अपने सेवकों को भेज करके या स्वयं जा करके उनको ले करके अपने स्थान पर आते थे। और भोजन की बात तो हमारे ठाकुर जी की इतने सुध-बुध में खो जाते थे, अपनी भोजन ही भूल जाते थे बाल सखा के कारण। दशरथ महल भगवान राम की बाल लीला का गवाह है, तो वहीं किशोरावस्था से युवा होने तक उनकी अनेक लीलाओं का गवाह भी, क्योंकि अपनी उम्र के 19 वर्ष तक भगवान राम इसी महल में रहे। यही वजह है कि महल में उनके अनेक रूपों को दर्शाया गया है। दशरथ महल में न सिर्फ प्रभु राम का बचपन गुजरा, बल्कि 19 साल की उम्र तक प्रभु राम इसी महल में रहे और यहीं पर आप कह सकते हैं कि उनकी जवानी आई और यहीं पर बचपन में खेलते खेलते वो बड़े हुए। और इसीलिए ये जो यह मंदिर है वो अलग अलग रूपों में उनको दिखाया गया है, बाल रूप में भी है और जो बड़े हैं उनके रूप में भी दिखाया गया है। महल के व्यवस्थापक भी मर्यादा पुरुषोत्तम की इन लीलाओं का जिक्र करते नहीं थकते। लिखा है बरनिन जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलत नित चारे उभाई। यहाँ पे भगवान राम की स्वयं ब्रह्म है, भगवान नारायण के 12 कला से भगवान राम का अवतार हुआ है और स्वयं वो नारायण है, पर ब्रह्म है, और वो यहाँ पे आके लीला कर रहे हैं समस्त कलाओं के साथ। महल जितना प्राचीन है उतना ही दिव्य और भव्य भी। कहा जाता है कि इस महल में आज भी भक्तों को श्री राम के दर्शन हो जाते हैं। दशरथ महल में न सिर्फ प्रभु राम का बचपन गुजरा, बल्कि उन्होंने अपनी शादी या यूँ कहें कि स्वयंवर के लिए जनकपुर भी यहीं से गए थे और फिर वनवास जो कि उन्होंने 14 साल गुजारा, वो वनवास के लिए भी प्रभु राम इसी दशरथ महल से निकले थे। कैमरामैन राणा विनाश के साथ अमित कुमार, अयोध्या, न्यूज़ 24।